एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। भारत को लेकर उनके रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिला, खास तौर पर जिस तरीके का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है उसके बाद भारत के साथ दोस्ती को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे। अभी मोदी जी के पैरों पर गिरेगा, देख लेना देख लेना। सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। लाहौरी चूरन जो पहले बेच रहा था ना कि हम ये कर देंगे, जज्बे वाली कौम है, ये देखना इसके अंदर भी छोटा सा लाहौरी बैठा हुआ है। ये लाहौरियों की आदत है, चाबी टाइट करो पैर पे गिर के बाप बाप करता है यार, यही वालिद साहब हैं। ये दुनिया का वाहद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी हो तो मोदी साहब उन्हें खींच के जफी पा लेते हैं। भाई साहब ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे चाइना के ऊपर ऊपर तो चाइना के ऊपर इंडिया की डिप्लोमेटिक विन तो है ही है, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में, इसके पास अपना जहाज भी नहीं है ये। कि वो प्रेसिडेंट मोइजू और वो मालदीव्स जो कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ थे और हमें बहुत बुरा भला कहा जा रहा था वहां पर, आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं, आज वो हमें थैंक यू कह रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स इज एम्बेडेड इन आवर डीएनए, हमारे डीएनए में एम्बेडेड है रिस्पेक्ट। वो तो तुमने इंडिया की और हमारे प्रधानमंत्री की क्या रिस्पेक्ट करी थी, ये हमें पता भी है और हमें याद भी है बेटा। मोहम्मद मुइजू ये जो आदमी है, 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर इंडिया, अभी मोदी जी के पैरों पर गिरेगा, देख लेना देख लेना। ये लाहौरी चूरन जो पहले बेच रहा था ना कि हम ये कर देंगे, जज्बे वाली कौम है, ये देखना इसके अंदर भी छोटा सा लाहौरी बैठा हुआ है। ये लाहौरियों की आदत है, चाबी टाइट करो पैर पे गिर के बाप बाप करता है यार, यही वालिद साहब है हमारे। ये कौमी कौमी सोच है, ये कौमी कैरेक्टर है, दो थप्पड़ पड़ते हैं बाप बाप। अभी देखना क्या हुआ कि इंडियंस ने जब चाबी बंद करी और चीनियों ने मना कर दिया, अब ये आया जब मोदी जी चुनाव जीते, मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पधार रहे हैं, तो ये पधारे भाई, मैं भी बैठा था वहां पे इनॉग्रेशन में, पर मुझे दिखा नहीं, डायरेक्टली स्क्रीन पे देखा मैंने इसको, तो मोहम्मद मुइजू आया वहां पे, इसकी मीटिंग हुई मोहम्मद मुइजू की, और मोहम्मद मुइजू की मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर से, और लोग कह रहे हैं कि डोवाल साहब से भी मिला है, ठीक है, डोवाल साहब ने उसको बताया होगा कि इंसान का बच्चा बन, पर मैं भेजता हूं अपने बंदे तेरे पास, तब तुझे पता लगेगा। तो अब ये सहम गया है किसी चक्कर में, क्योंकि इसके हाथ से इसको लग रहा है मालदीव्स ने, जो इसने पहले सोचा था कि मेरे पीछे चीन खड़ा है और चीन मुझे डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और चीन ने ब्लैंक चेक, क्योंकि चाइनीज ने बोला था इसको कि तू चिंता मत कर, तू अपना बच्चा है, तू बता तेरे को क्या चाहिए, ये खुश हो गया। चाइनीज तो यही चाहते थे कि मालदीव्स और भारत की रिलेशनशिप रप्चर हो जाए, दैट इज व्हाट दे वांटेड। चाइनीज ने थोड़ा बहुत पैसा दिया, ये खुश हो गया, ठीक है, फटेयाल फकीर आदमी, थोड़ा सा पैसा मिला इसको, ये बावला हो गया। जब ये बावला हो गया थोड़े से पैसे के साथ, तो चाइनीज ने बोला तुम चढ़ दौड़ो भारत के ऊपर, हम और पैसा भेज रहे हैं, ये चढ़ दौड़ा। इंडियंस ने कोई जवाब नहीं दिया, जो भी जवाब दिया सरकार ने नहीं, पब्लिक ने जवाब दिया। अब इसके हाथ पैर फूल गए जब चाइनीज ने बोला कि यार हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। भारत के साथ रिलेशनशिप बीच में, मैं ये नहीं कह रहा टूट गया, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, रप्चर हो गया, उसमें दरार पड़ गई। और जब इंडिया का टूरिज्म गिरा, इनके पास और पैसे हाथ से निकले, फिर बीच में चाइना ने इनसे 36 टापू ले लिए, इनके पास टापू थे, चाइना ने 36 ले लिए, चाइना ने बोला होटल बनाएंगे, इन्होंने बोला बनाओ माय बाप, यही कर सकते हैं हम, और तो कुछ कर नहीं सकते। अब बात यह है कि जब आपको ऐश अय्याशी की आदत लग जाए, फिर आप काम थोड़ा ना करोगे, फिर आप घर के बर्तन बेचोगे, तो मालदीव्स ने घर के बर्तन बेचना शुरू करा। अब ये क्यों आया है, मोदी जी से क्या लेने आया है ये भाई साहब, जाएगा 3-4 शहरों में, ठीक है, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु वही शहर है जहां पे इनका टूरिज्म मिनिस्टर आया था लोगों से गिड़गिड़ा के भीख मांगने के लिए कि तुम प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ मालदीव्स आ जाओ, तुमने मालदीव्स को क्यों बॉयकॉट कर रखा है, ठीक है। तो अब ये जाएगा वहां पे, अब इसकी अरेंजमेंट करी जा रही है कि ट्रेवल करेगा और जाएगा 10 लोगों से मिलेगा, है ना। इसने क्या करा कि वहां पे जो लोग थे जिन्होंने इसी के कहने पर मोदी जी की बुराई करी थी, उन्हीं को धोखा दे दिया। अब ये इसके मंत्री इससे पूछ रहे होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूं, कि साहब आपने हमें मंत्री पद से हटा दिया, आपके कहने पे तो हमने गालियां दी थी, आपके कहने पर ही तो हमने ट्वीट करा था, आपसे अप्रूवल लिया था,
कह रहा नहीं यार वो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आई विल थ्रो यू अंडर द बस, अभी तो हमें इंडिया से पैसा चाहिए, देखो इंडिया से हमें टूरिस्ट चाहिए, अगर जहाज भर भर के टूरिस्ट आ गए तो मालदीव्स बचेगा वरना थैंक यू हो जाएगा मालदीव्स का। तो सबसे पहले इसने तीनों मंत्रियों को सैक कर दिया, बोला भागो यहां से। उसमें से दो एक लेडी थी और एक बंदा था, वो दोनों बहुत छिछोरे पर जो भारत ने जवाब दिया ना बॉस, भारत ने सीधा मालदीव्स के पेट पे लात मारी, आंसू निकल गए, चीखें निकल गई उनकी। अब आए भाई साहब वालिद साहब से मिलने। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, ठीक है जी। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें जारी बात है, एक मसला तो नजर तो आता है ना कि यार ये कोई आसान काम थोड़ी है, ठीक है। और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, 1 दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट में, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट, 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है, 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे, इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में, सिर्फ चाइना और की, इज देर एनी देर कुड इज कैन देर बी एनी अदर रीजन देन दिस। ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं हो जाने थे, हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे या शिया, ठीक है ये लोशे एवं, सॉरी यू नो इट जस्ट मेरे मुंह से निकल गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड इन टर्म्स इन केस यू आर एंजॉइंग फ्री डिनर, फ्री लंच, फ्री राइड, फ्री एवरीथिंग ऑन समवन्स एक्सपेंस, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दो पैसे, खैर देखी जाएगी। सो मोदी साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाडा मुंह बना के बैठे ने, मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है, इसको बुलाओ यार, इसको वो गए होंगे, उन्होंने कहा है मैंने बहुत सारी चीजें पोली कर दी हैं, जब डॉक्टर जयशंकर 2-3 महीने पहले गए थे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारा कुछ कर दिया, आप जरा इसको बुलाएं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप थपकी दें इसको, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं ये मॉडल है। आप बेशक किसी इंडियन डिप्लोमेट से हैं जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ उसे चेक कर लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली आप जब डिप्लोमेट से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना पता चलती हैं उनको मॉडल तरीकाकार। सो उन्होंने कहा होगा मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहां पे इनिशिएट किए, चीजें बहुत सारी कर ली हैं, अब आप थोड़ा बुलाएं उसको मौजू को, स्टेट इन गेस्ट बुलाते हैं उसको, थोड़ा बताते हैं कि भैया हम तुम्हें वैल्यू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आ जाओ तुम आके थोड़ा सा उसको महसूस करा दो और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो अब होगा क्या, अब सारी बात है वो कहाँ बातें गई रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहाँ बातें गई, ठीक है जी, जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का कैंडिडेट मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर्स जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये हुआ, वो सारी चीज़ें बदल गई। आपने मुल्क को मजबूत किया, शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इसको मजबूत किया होगा। तो जारी सी बात है मालदीव ने इसी वजह से उसके साथ दोबारा आके जुड़ा है, उसने देखा है कि वहाँ पे जो है ना कम से कम डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी जा रही है और बूस्ट कर रही है। एक दफा देखा हमने जब लक्षद्वीप का मामला आया, मोदी साहब ने वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई, तो ये मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा, चाइना के पास भागा भागा गया, चाइना से लोन लिए, चाइना ने फ्री पानी भी भेजा। आखिर आपको क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है कि मालदीव ने चाइना को मजीद भाव नहीं दी और चाइना से अपना रास्ता काट लिया? देखो चाइना जो है ना, चाइना वाले बहुत सियाने हैं, ठीक है ना, वो हाँ हाँ वो बहुत सियाने हैं, उसकी वजह ये वो कोई काम फ्री में नहीं करते, ठीक है। तो गुजारी सी बात है चाइना तो इन्वेस्ट ही जाके वहाँ पे करता है जहाँ पे वो देखता है उसका अपना बेनिफिट है, ठीक हो गया, मतलब मदद नहीं कर रहा था मालदीव, मदद नहीं करता। देखो चाइना हमेशा डील करता है, वो उनका दोस्त कोई नहीं है, वो सियाने, वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करते हैं, ठीक है ना, वो प्योर बिजनेस डील करते हैं। और मालदीव ने जब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है, तो उन्होंने मतलब हमें भी डेट ट्रैप में फंसाएंगे, मतलब तो यही है ना कि अब देखो पाकिस्तान के अंदर सीपैक बना, हाँ, नहीं सारे बना। नहीं बना है, जितना एक बना है वो बना किस तरह आपको पता है इसका किस तरह? ये चाइना ने ये नहीं किया कि हमें जो है ना वो उसने को पैसे दे दी कि ये लो ले जाओ पैसे और ये जो है ना तुम बना लो, चाइना ने हमें कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा देगा हमारी शर्त पे,
शरायत को तो आप छोड़ो ना, शरायत तो यहाँ पे देखते नहीं है, ठीक है ना। ये जाते हैं कहते हैं बस कहीं से कर्जा मिल जाए, और वो भी इनको नहीं मिल रहा। तो वो बात ये है कि चाइना ने अगर सीपैक पे भी आके पैसा लगवाया है, एक तो उसने अपना फ़ायदा ये देखा है कि उसने हमें वो पैसे सूद के ऊपर दिए हैं, ठीक है, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के थ्रू थे, लेकिन थे वो कर्ज के तौर पर जो हमने उनको वापस करने था। और दूसरा चाइना ये फ़ायदा देख रहा था कि वो जो हज़ारों किलोमीटर का रूट उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है ना, दरमियान में स्टेट ऑफ मलक्का भी आती थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना डाकुओं का राज भी है और उनको नुकसान होता था और उनका जो है सर, ये तो बातें चाइना के चले, मालदीव ने चाइना से जो है ना अपनी जान छुड़ाई, दोबारा इंडिया की तरफ अपना रुख किया, 28 आइलैंड उसको दे दिए। सर हम चाइना को कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। अगर यही चाइना की बजाय अगर हमने इंडिया को दोस्ती अपनी की होती, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप की होती, तो क्या आज भी हम इसी हालात में होते जैसे चाइना से दोस्ती करके हैं? देखो चाइना जो है ना, वो जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन की हमेशा कोशिश होती है, बिजनेस माइंड वाला जो भी बंदा होगा, कि मैं जो है ना लीगल मामलात में ना फंसूँ, ठीक है ना, मैं दुश्मनियों में ना फंसूँ, मेरी सरदें महफूज हों। तो चाइना ने तो जो है ना इंडिया के साथ थोड़ा सा उसका लद्दाख के मामले पे हुआ, उसके बाद वो सुकून में है, ठीक है, चाइना हमारा दोस्त है, वो वाली सरहद जो है हमारी सिक्योर है, लेकिन बात ये है कि हमें इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जब देखें आप ये मुल्क को मिसाल ये लें कि आपका घर है 5 मरले का, आपके सामने वाला घर, आपके साइडों वाला घर, आपकी बैक साइड पर ये 4-5 घर हैं, अगर आपके इनके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। पड़ोसी सबसे पहले हैं। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, या कुछ लोगों की इमा है जो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में अच्छी बात ना करें, हालांकि यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं, इंडिया के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सही हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो चाइना जो है वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करता है, वो पाकिस्तान के साथ करेगा, वो इंडिया के साथ करेगा, वो अपना बेनिफिट, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जयशंकर साहब ने कहा तो है, देखें नरेंद्र मोदी का किसी को जफी ना डालना, हग ना करना, गले ना लगाना, इस चीज के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। सो मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, हग नहीं किया, आई वॉन्ट टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हो। हक करने का मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं जो तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी या तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं, हम हर बंदे के साथ जफी नहीं डालते। बेसिकली मोदी साहब ने ये जो जफी वाला फैक्टर है इसको थोड़ा सा उन्होंने वो किया है, अंडरमाइन किया है, यार ये जो तुम लोगों ने है ना कि मैं हर बंदे को हक कर लेता हूँ, मैंने पुतिन को भी कर लिया, मैंने ज़ेलेंस्की को, देखिए ज़ेलेंस्की को जो हक किया मोदी साहब ने, आपको याद होगा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए रशिया तो वहां पे जनाब पुतिन से हक कर लिया, अमेरिकन को आग लग गई, उन्हें क्या है कि होया, जैक सुलिवन भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, अपना एंटनी ब्लिंकन भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं नहीं वो उसका स्टाइल है, ये करता है वो करता है। जब यूक्रेन पहुंचे तो उनको फिर ज़ेलेंस्की को हक करना पड़ा, बल्कि उसके तो कंधे पे हाथ रख दिया कि बच्चे परेशान ना हो। मोदी साहब आपको पता है ऑप्टिक्स बड़े अच्छे क्रिएट करता है, इज अ स्टेट्समैन नाउ, यू नो 25-30 साल हो गए ना यार बंदा उस सिस्टम के अंदर है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करता है। तो उसने मौजू को बता दिया कि मैं तुम्हें हक नहीं करूँगा, इसलिए हक नहीं करूँगा बिकॉज तुमने मेरे साथ आप लोगों ने ज्यादती की है। ये अब देखते हैं कि ये जो मोदी साहब का जो 3.0 है, ये मालदीव्स के वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक बात इस पे बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो जयशंकर करना चाहते हैं, क्या मौजू उस तरह रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब ने मॉडल बनाया है, पहले आप डिप्लोमेसी, लव, मोहब्बत, प्यार, पॉलिटिकली इंगेज करो ना, और तो फिर हम कोर्जन पे आ जाएंगे, लेकिन पहले हमें कोर्जन पे नहीं जाना चाहिए, पहले हमें प्यार मोहब्बत करना चाहिए, और इसीलिए ये प्यार मोहब्बत का मॉडल उन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया है।